जनपद में अपराधियों पर नकेल कसे जाने के क्रम में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में जनपद के एसएसपी द्वारा 2022 में ऐसे आदतन अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट जनपद में 2022 में कुल 100 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। गैंगस्टर एक्ट में 14A के तहत जिसमें संपत्ति जब्त की जाती है, ऐसे में अपराधियों की 266 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि जनपद के 90 ऐसे अपराधी जिनका लंबा आपराधिक इतिहास है, उनको चिन्हित करके उनका हिस्ट्रीशीट खोला जा रहा है। आज उन्होंने बताया कि ऐसे लोग जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, उनके पास शस्त्र लाइसेंस है, ऐसे 130 लोगों के शस्त्र लाइसेंस को निलंबन किया जा रहा है। न्यायालय द्वारा ऐसे अपराधी जिनके ऊपर हत्या के मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। इसी अभियान के तहत से 100 अपराधी जिनके ऊपर इनाम घोषित है, ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ अपराधियों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण भी किया है। इसी तरह के प्रभावी अभियान आने वाले साल में भी लगातार चलते रहेंगे और वर्ष 2023 में ऐसे लोग जो नौकरी के नाम पर, विदेश भेजने के नाम पर, ज़मीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं और उनसे पैसे आते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके ऊपर मुकदमा करके उनकी संपत्ति भी कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर ने कहा, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार संगठित जो अपराध है, माफिया है या आदतन अपराधी हैं, उनके विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के क्रम में वर्ष 2022 में जनपद गोरखपुर में ऐसे अपराधियों के खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाइयां की गई हैं, जिसमें विशेष रूप से गैंगस्टर एक्ट में कुल 100 मुकदमे वर्ष 2022 में पंजीकृत किए गए हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत 14A जिसमें कि संपत्ति जब्तीकरण किया जाता है, उसके तहत 266 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है, उसको सीज किया गया है। इसके अतिरिक्त 90 ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके जिनका कि लंबा आपराधिक इतिहास है, उनके विरुद्ध हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई की गई है। जिनके ऐसे लोग जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं और उनके पास शस्त्र लाइसेंस है, ऐसे 130 से भी ज़्यादा लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई है। माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए जो आजीवन कारावास है, ऐसे 125 व्यक्तियों को जिनके द्वारा अपराध किया गया था, उनको आजीवन कारावास की सजा हुई है और बाकी विभिन्न सजाओं में 400 से भी ऊपर व्यक्तियों को सजा दिलाने में प्रभावी पैरवी माननीय न्यायालय के माध्यम से की गई है। इसी तरह से ये सभी अभियान जो हैं, जैसे कि रिवॉर्डेड क्रिमिनल्स जिनके ऊपर पुरस्कार घोषित है, ऐसे 100 अपराधी जिनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया था, उनको या तो अरेस्ट किया गया है या उन्होंने माननीय न्यायालय के सामने समर्पण किया है। इसी तरह से आने वाले साल में भी ये सभी प्रभावी कार्रवाइयाँ अपराधियों, आपराधिक गिरोहों के ऊपर लगातार चलती रहेंगी। अगले साल में विशेष रूप से धोखाधड़ी करने वाले जो लोग हैं, जो नौकरी के नाम पर, विदेश भेजने के नाम पर या ज़मीनों के संबंध में लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, उनकी गाड़ी की माइक को एंटने का काम करते हैं, उनको विशेष रूप से चिन्हित करके मुकदमे लिखे जाएंगे, उनको जेल भेजा जाएगा और गैंगस्टर की कार्रवाई करने के उपरांत उनकी संपत्तियां भी कुर्क की जाएंगी।